ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानियों पर सख्त हो गया है। समस्या सुलझाने के लिए बिल्डरों के साथ बैठकें की जा रही हैं और दोनों पक्षों के बीच चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए रास्ता तलाशा जा रहा है। इसी कड़ी में प्राधिकरण ने JKG बिल्डर और उसके खरीदारों के साथ जनसुनवाई में बिल्डर पर सख्ती दिखाते हुए दिसंबर 2018 तक 410 लोगों को उनके फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश दिया है। JKG बिल्डर कंपनी के MD मनीष गोयल ने प्राधिकरण अधिकारियों को भरोसा दिया कि वो दिसंबर 2018 तक सभी आवंटियों को उनके फ्लैट पर कब्जा दें। JKG बिल्डर की तरफ से प्राधिकरण को बताया गया कि पहले चरण के 4 टावरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, फिनिशिंग का काम जारी है। दूसरे चरण के 2 टावरों का निर्माण भी लगभग पूरा होने को है। इन टावरों के खरीदारों को जून 2018 तक कब्जा भी दे दिया जाएगा। बिल्डर के प्रोजेक्ट में कुल 878 फ्लैट बनाए जाने हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि असलियत कुछ और है। बिल्डर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16C में प्लॉट नंबर GH1 आवंटित किया गया था। 20,000 वर्ग मीटर के इस प्लॉट पर बिल्डर को 6 टावर बनाने थे। साल 2015-16 में सभी खरीदारों को उनके फ्लैट पर कब्जा दिया जाना था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया जा सका। जब इस मुद्दे पर रियल्टी मीडिया की टीम कंपनी के MD मनीष गोयल से बात करने पहुंची, तब समय ना होने का हवाला देकर बिल्डर ने हमसे बातचीत नहीं की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का डंडा इस वक्त बिल्डरों पर खूब चल रहा है। एक तरफ तमाम धोखेबाजी धांधलेबाजी करने के बाद आज बिल्डरों के पास जवाब नहीं है। जब हम ग्रेटर नोएडा आए, हमने बिल्डरों से बात करने की कोशिश की, एक भी बिल्डर ने हमसे बात नहीं की और सब हमें ये कहकर टालते रहे कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास काम के लिए प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। तो रियल्टी मीडिया की टीम ये जानना चाहेगी बिल्डरों से, अगर आपके पास काम इतने हैं तो अब तक काम पूरे क्यों नहीं हुए। रियल्टी मीडिया के लिए उत्कर्ष अवस्थी की रिपोर्ट।